दिल्ले हो गए गुलाबो दिल्ले हो गए गुलाबो दिल्ले हो गए ओ हयम जरंगीर 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 ओ हयम जरंगीर 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 ओ हयम जरंगीर 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 मनातिंग पे मनातिंग पे अरे तभी मनातिंग पे मनातिंग पे मनातिंग पे अरे तभी मनातिंग पे मनातिंग पे मनातिंग पे अरे तभी मनातिंग पे इल्ला वरंगरे इल्ला इल्ला वरंगरे इल्ला भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और कितने लोग आज जा रहे हैं सामने आ जाए? असल में सबसे पहले सबको जोहार, जितने भी दर्शक साथी हैं, आज हम लोग अभी फिलहाल हम लोग सीकेपी से हैं। अगर ओवरऑल की बात करें, दिल्ली वाला प्रोग्राम हम लोग का 21 तारीख को है। 21 तारीख का प्रोग्राम को लेके बहुत सारे लोग असम से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बंगाल से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ओडिशा से निकल चुके हैं और कई सारे लोग जो है इन सारी राज्यों से जो है कल में निकल चुके हैं। और फिलहाल अभी जिस संख्या में है और आज ही सबसे ज़्यादा संख्या में जो है दिल्ली के लिए सब रवाना हो रहे हैं। लगभग मैं अगर बात करें कुल टोटल की, लगभग 1200 से 1500 लगभग संख्या में हम लोग दिल्ली 21 तारीख के प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं। तो आज कौन कौन स्टेशन से और उड़ीसा से भी जा रहे हैं अभी? हाँ, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, ओडिशा से कल में भी निकले हुए हैं, असम से परसों से निकले हैं, वेस्ट बंगाल से भी निकले हैं, आज भी आ रहे हैं और अभी हम लोग सीकेपी में हैं, राजखरसों में कुछ बैठ रहे हैं, टाटा नगर में कुछ बैठ रहे हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग स्टेशनों से जो है हमारे यात्रीगण, आंदोलनकारी लोग सब 21 तारीख के लिए रवाना हो चुके हैं। मैंने एक ही मांग है जो हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, इसी डिमांड को लेकर है कि और कुछ और भी डिमांड है सामने? फिलहाल 8वीं अनुसूची में हो भाषा को सम्मान दिया जाए और भाषा की अगर बात करें एड शेड्यूल में जिस दिन अगर सम्मिलित हो जाती है, शामिल कर दिया जाता है, तो इसी के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। साहित्य के विकास की बात हो या फिर समाज की उन्नति की बात हो, सारी चीज़ें जो भाषा जिस दिन 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी, सारी चीज़ें सब कुछ आ जाएंगी। इसीलिए विशेष रूप से 8वीं अनुसूची को ही फोकस किया गया। मदन जी, क्या तैयारी है? सभी को सबसे पहले तो जोहार। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पे हम धरने पे बैठ रहे हैं। उस धरने में आदिवासी और समाज युवा महासभा के नेतृत्व में सारे सामाजिक संगठन, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं वो समाज में, सभी का सहयोग से वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी हो समुदाय की जनसंख्या कितनी है और हम अपनी मांग को तो वहाँ पर एक पत्र के माध्यम से वहाँ के प्रधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को जाकर मुलाकात कर हम उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे कि हमारी जो मांग है, वर्षों पुरानी मांग है, जो हमारे हो समुदाय के लोग काफ़ी वर्षों से इस पे आंदोलन कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री से हमारी यही मांग रहेगी कि हमारे हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और जैसे कि 21 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है और हमारा पूरा प्रयास है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा जाए और हमारी बातों को उनके समझ रखा जाए। और जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख ही रहे कितनी जनसंख्या में है और हमारे मनोहर पुरुष भी बैठ रहे हैं और काफ़ी सारे ट्रेन से, ये तो उत्कल हो गया, और भी काफ़ी सारे ट्रेन से हमारे लोग दिल्ली की ओर निकल चुके हैं और कल तक हम सभी लोग पहुँचेंगे और 21 तारीख को धरना पत्र बैठेंगे। पिछले दिन चाईबासा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी बाबर सिंह संग्राम के और जो मंत्री मुंडा संघ के जो अध्यक्ष है पिंगला साहब थे, बाबर जी बता रहे थे कि हम लोग इस बार जो है समय मांगे हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का, जब तक वो हम लोग उससे नहीं मिलेंगे तब तक जो है एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में ही।